को धारण किए हुए हैं, सचमुच जिन्होंने सोच लिया है इस दुनिया में कोई सार नहीं है, ये असार संसार है, झूठी दुनिया है, झूठी माया झूठी काया है, और हमारा तो एक छिपा भाई है, वो जरा अपना दाया हाथ उठाएंगे और ताकत से जल्दी से उठाएंगे, सोच समझ कर नहीं। देखो कई तो बेचारे सोचते रह जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, लेकिन 80% ने हाथ उठाया, क्योंकि आप मैं सबको देख रहा हूँ, आप भी देख, तो 80% भाई बहनों ने हाथ उठाया है, बाकी भी जब अटेंशन रखेंगे तो सारे उठा देंगे। क्या ये हमारा है ही कौन आगे, जब दुख होता है विपदा आती है भगवान की तरफ ही तो ध्यान करते हैं सब, जब हर चीज फेल हो जाती है, हर तरीका ट्राई किया जा सकता है, तो डॉक्टर भी कह देते हैं भी आपको भगवान के भरोसे है, वो कुछ मेरे कल कर दे, कुछ करिश्मा कर दे, हो सकता है। तो बाबा कहते हैं एक होता बिल बना के नीचे GST लगाना, और एक होता पहले बाबा बाकी चीजें बाद में। तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट में जो बाबा के पास जाना है, पहले क्यों नहीं बाबा को याद रखो। हम भक्ति में भी क्या कहते थे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, परमात्मा को सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में करता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या, जो सुख में सिमरन करे उसे दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सब ने ईद के पहली लाइन में तो हाथ उठा लिया, मेरा तो एक शिव बाबा ही है, जैसे गीता में है माम एकम शरणम व्रज। लेकिन उसकी पहली लाइन क्या है, सर्व धर्मान परित्यज, अन्य तरफ से बुद्धि योग को हटाओगे तभी मेरी तरफ लगाओगे। आपका मुंह और पेट इकट्ठे नहीं हो सकते या बार बार घुमाते रहो, तो आपको अपना मुख किधर करना है। तो बाबा कहते हैं गीत की दूसरी लाइन क्या है, मेरा तो शिव बाबा ये, दूसरी लाइन क्या है, दूसरा ना कोई। अब अगर हम आपको कहें कि दूसरा ना कोई में भी हाथ उठाओ, 80% रिजल्ट नहीं आए, शिव बाबा भी मेरा दूसरे भी मेरे, है ना वंडरफुल बात। क्यों, शिव बाबा तो निराकार है और दूसरे साकार है। आज मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊं तो मुझे तो पता नहीं लगेगा शिव बाबा मेरे साथ है, और मेरा भतीजा भांजा मेरे को रोटी लेके आएगा जूस लेके आएगा तो दिखेगा ना। इसलिए दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहिए। तो बाबा कहता है जब आप किनारा छोड़ते हो इस बार का, तो थोड़ी देर तक हर एक को पुरानी चीजें याद रखें। हमने भी जब 1973 में अपनी जॉब से रिजाइन किया, तो बहुत सारे हमारे जो काम करने वाले थे वो बोले हमें भूलना नहीं, 5-6 महीने तक उनकी चिट्ठियां भी आती रही, लेकिन धीरे धीरे खत्म। अच्छा, आप भी आपकी मान लो बदली हो जाए सारी, यहाँ से बॉम्बे में हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप तो बॉम्बे का ज्यादा सोचना शुरू करेंगे, वहाँ घर कैसा रखेंगे, सामान कौन सा ले जाएंगे, और यहाँ का भूलना शुरू करेंगे, बल्कि यहाँ की मोटी मोटी चीजें आप डिस्पोज आउट कर देंगे कि वहां जाके नहीं लेंगे, इसको कौन उठाए। इसलिए हमें बुद्धि को एक तरफ रखना है, और सभी को पता है हम यात्री हैं, हम सब रूहानी यात्री हैं या नहीं, जो रूहानी यात्री हैं फिर से अपना दाया हाथ उठाइए, हम सब क्या हैं।